सुबह का नाश्ता या बच्चों का टिफिन एकदम हेल्दी और टेस्टी, चलिए बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। बहुत दिनों से मेरा बेटा जिद कर रहा था, मम्मी मुझे कुछ अलग टिफ़िन में दीजिए बना करके। बहुत दिनों से हम उसे ना रोटी सब्जी ही दे रहे थे, इसलिए मैं कभी आप लोगों को शेयर नहीं किए हैं। पर आज सोचे हैं ना, चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो हमने क्या किए हैं ना, एक आधा कप के जितना मूंग ले लिए हैं हरी वाली, और चना दाल और धोई थोड़ा सा ले लिए हैं, और उसे एक रात के लिए भिगो दिए थे। इसमें आप चावल भी भिगो सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना हो तो। पर मुझे ना बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना था, तो इसलिए मैं चावल का इस्तेमाल नहीं किए हैं। और सभी को हम डाल करके एकदम साफ से धुल लिए थे, मिक्सी जार में डाल देंगे। आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं, पर इतना सारे सामान में ना 7 से 8 ये नाश्ता बन करके रेडी हो जाएगा। फिर उसी मिक्सी जार में डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्च, अदरक अपने स्वाद अनुसार, और इसमें डाल देंगे 1 कप के जितना, मतलब दही, छोटा कप से 1 कप के जितना दही डाल देंगे। दही थोड़ा पतला है इसलिए हम पानी 1 बूंद भी नहीं डालेंगे, इसी तरीके से पीस लेंगे। अगर आपका दही ज़्यादा गाढ़ा हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं, और इसे एकदम से फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फाइन पेस्ट एकदम अच्छे से बन गया, आप देख सकते हैं, दरदरा बिल्कुल भी नहीं है। और इसे हम क्या करेंगे ना, एक बाउल में निकाल लेंगे। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो उसी मिक्सी में हम थोड़ा सा पानी डाल करके घोल कर इसमें हम डाल दिए हैं। तो आप ना इसका बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। मतलब आप बना सकते हैं, पर ना इसी इतना ही गाढ़ा बैटर में ना बहुत ही परफेक्ट बनाता। और हम इसमें ना 2 चम्मच गेहूं के आटा डाल देंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये एकदम हेल्दी बनाएंगे, तो हमने चावल का इस्तेमाल नहीं किए हैं इसमें, चावल के आटा हम ना इसमें गेहूँ के आटा डाले हैं। इसके अलावा आप ज्वार के आटा, रागी के आटा, कोई भी आटा इसमें मिला सकते हैं आप, या चावल के आटा ही मिला सकते हैं इसमें, पर हम गेहूँ के आटा डाल दिए हैं। और कुछ सब्जियां हम रात में ही कट करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह में बहुत ही ज़्यादा टाइम इतना जल्दी जल्दी चलता है, समझ में नहीं आता है किस तरीके से क्या करें। तो ये गाजर को हम कद्दूकस कर लिए थे मोटे वाले से, और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी कट कर लिए थे। अब हम इसी चॉपर में 1 प्याज रफली कट करके डाल देंगे, और पत्ता गोभी को थोड़ा सा बारीक कर लेंगे, क्योंकि बेटा मेरा बोल रहा था, मम्मी इसे थोड़ा बारीक कर दीजिए नहीं तो हम खा नहीं पाएंगे। तो अगर आपके बच्चा कभी टिफिन में खाना मन से ना खाता हो, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं, और इसे बना करके आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। आपके बच्चा टिफिन एकदम से चट करके आएगा, क्योंकि ये मेरा भी बेटा है, मेरा भी बेटा स्कूल जाता है, तो क्या पसंद करता है क्या नहीं ये मुझे पता है। इसलिए मैं, बच्चे तो लमसम सब एक ही जैसे होते हैं, पर मेरा बच्चा थोड़ा सा चटपटा खाता है। तो हम क्या किए हैं ना, सारे सब्जियों को साइड में रख देंगे, और हम बैटर में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और 2 से 3 पिंच कि जितना हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। नमक को अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे। नमक पहले नहीं डालेंगे, नहीं तो बैटर में से पानी छोड़ देगा, तो इसलिए हम बाद में बनाते समय डालेंगे। आप बैटर को देख सकते हैं कितना इसका मतलब कि मोटा है, कितना थिकनेस है, तो इसे ना बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें, इतना में एकदम इजीली बन जाता है। फिर हम गैस पे डोसा तवा रख देंगे, तो इसे इस पे हल्का सा चिकना लगाएंगे तेल, और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। तवा को अच्छे से गर्म करेंगे, और बनाते समय ना इसे धीमा कर देंगे। फिर हम इसमें पानी डालकर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और उसे भी पोंछ लेंगे, साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो और एकदम ये तवा रेडी हो चुका है डोसा बनाने के लिए। अब हम इसमें 1 कलछल इस पे बैटर को डालेंगे, और बीच से घुमाते हुए आगे बढ़ाते जाएंगे, फटाफट एकदम से बढ़ाएंगे, तो ये एकदम मतलब मस्त एकदम हेल्दी डोसा बन करके रेडी हो जाएगा। आप इसमें स्टफ ना आलू का बना करके या कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, और ये आप इस पे सॉस भी, पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो सॉस लगा सकते हैं। पर हम एकदम से सिंपल हेल्दी एकदम बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए मेरा बेटा भी बोल रहा था, मम्मी इसे ना बहुत ज़्यादा मतलब सॉस मत लगाइएगा, सॉस ये बस इसी तरीके से बनाइएगा। तो हम इस पे पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च का जो सब्जी रखे थे काट कर बारीक, उसे डाल देंगे, गाजर डाल देंगे, इसमें काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, सब्जी में पहले से नमक नहीं डाले, नहीं तो सब्जी सॉफ्ट पड़ जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से ना सब्जी जो है ना एकदम क्रंच बना रहता है इस पे। फिर हम इस पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे,
थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। आप इस पे अपने हिसाब से सब्जी स्टफिंग कुछ भी डाल सकते हैं, आप प्लेन ही रख सकते हैं। इसके साथ आप सांभर चटनी कुछ भी बना करके खा सकते हैं। मैं सिर्फ एकदम से मतलब सिंपल तरीका और हेल्दी तरीके से बनाए। फिर इस पे चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल देंगे। अब हम इस पे डाल देंगे चीज़। आपके पास पनीर हो ना तो उसे भी ग्रेट करके अच्छे से डाल दें। चीज़ थोड़ा मेरे पास कम था तो इसलिए थोड़ा कम डालें। और मेरे बेटे को देख सकते हैं, एकदम ज़्यादा खुश हो गया था देख के और बोल रहा था, मम्मी मुझे आज टिफ़िन में बहुत ज़्यादा दीजिएगा, मैं इसे बहुत मन से खाऊंगा, बहुत टेस्टी है। तो वो एकदम से खड़ा था मेरे पीछे ही। और मैं ना इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, क्योंकि एकदम भोर में मुझे उठना था, नहा धोकर फ्रेश होकर के 7 बजे से पहले मुझे ये नाश्ता रेडी करना था। और फिर ये एकदम बढ़िया से जब सीख जाएगा तो आप उसे पलट भी सकते हैं, पर पलटने के लिए ना थोड़ा मतलब चीज़ है तो चिपक जाएगा। अगर पनीर रहे तो उसे पलट सकते हैं और गीले में ही डालें। फिर हम आपको दूसरा डालकर दिखा देते हैं। बहुत ही ईजिली फैल जाता है और बनाने में कोई दिक्कत नहीं आता है। मेरे बोलने पे नहीं, आप देख सकते हैं जो वीडियो में आप देख रहे हैं ना, सेम तरीके से आप बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर हम इस पे सारे सब्जियां डालेंगे, गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च थोड़ा थोड़ा ना बड़ा साइज़ के रखे थे उसे भी एक एक करके डाल देंगे। तो ये सारे सब्जियां बच्चे किसी भी तरीके से खाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट ये ऑप्शन है। आप कुछ कुछ बदल करके अपने बच्चों को देंगे ना तो बच्चे किसी भी तरीके से खा लेंगे। फिर इस पे जो जो हम मसाला आप डालना चाह रहे हैं हम डालें, सारे डाल दिए। फिर चीज़ डाल देंगे इस पे और अच्छे से चीज़ को मेल्ट होने देंगे। अच्छे से सब्जियां भी थोड़ा थोड़ा पक जाएगा हल्का हल्का, फिर इसे मोड़ कर निकाल लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट ये नाश्ता बन करके रेडी हो गया था। मेरा बेटा तो बहुत मन से खाया था। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। आप बड़े बड़े हो या बच्चे हो, सुबह का नाश्ता, शाम का नाश्ता, किसी भी टाइम इसे बना सकते हैं और खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप इसे ना बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। अगर एक बूंद भी ऑयल नहीं डाले ना तब भी ये नाश्ता परफेक्ट ही बनेगा। पर बच्चों को टिफ़िन में देना है तो थोड़ा ऑयल का ज़रूरत लग जाता है, क्योंकि एकदम सादा हो जाएगा ना तो मन से नहीं खाएगा। और सॉस लगा देने से ना तो और चटपटा हो जाएगा। पर आप देख सकते हैं इसे तोड़ के दिखाए हैं तो इसे कट करके, मेरा बेटा बोल रहा था, मम्मी इसे छोटा छोटा पीस कट करके रखिएगा ताकि खाने में आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें अंदर चीज़ है ना तो कैसे फैल रहा था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन करके रेडी हो गया। इस पर पनीर डाल देना तो और ही ज़्यादा हेल्दी हो जाए। चुकंदर का भी इस्तेमाल करें तो और हेल्दी हो जाए। फिर हम टिफ़िन में भर देंगे और अपने बेटे को खाने को दे देंगे। वो एकदम देर से इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी मुझे जल्दी दीजिए जल्दी दीजिए। तो और खा रहा है और टिफ़िन में लेकर के जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर